honest, actually I'm going to be today flying my मतलब खुद भी मैं गुड्डी उड़ाने वाला हूँ अपने घर के वहाँ, तो वहाँ बिल्कुल समुद्र का किनारा है तो वहाँ मज़ा आएगा उड़ाने में। वैसे यहाँ भी अलग मज़ा है क्योंकि बिल्डिंगों के बीच में एकदम अपने पतंग को संभालते हुए वायरे वायरे काफ़ी हैं। वैसे तो चांदनी चौक में भी अगर देखा जाए तो पता नहीं आप लोगों में से कोई गया कि नहीं, वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं सब एकदम नज़दीक है, आप बल्कि एक छत से दूसरे छत पर छलांग मारते मारते गुड्डी पकड़ने निकल जाते थे हम लोग। तो वहाँ तो बहुत वायरे हैं, वहाँ तो गुड्डी उड़ाना बहुत ही मुश्किल है। जो आदमी वहाँ चला सकता है गुड्डी तो कहीं भी उड़ा सकता। पतंग उड़ाने के लिए वक्त तो आदमी को निकालना ही पड़ता है क्योंकि बेसिकली मैं वैसे ही वेट कर रहा हूँ कि ये सब खत्म हो जाए तो मैं जाऊँ। एज एन आई वेटिंग फॉर माई सन टू कम फ्रॉम माई फ्रॉम हिज स्कूल। Being a North Indian, I really enjoyed doing that. I really love doing it. And it's nice that यहाँ भी कितने सारे लोग पतंग उड़ाए, बल्कि देखो ध्यान से देखेंगे तो अभी काफ़ी उड़ने लग गई हैं। खैर अपना हाथ तो खैर उनको बहुत ध्यान रहता है, लेकिन दूसरों की गर्दन ना काट दे, क्योंकि एक बार हुआ था हादसा, जू पे कोई स्कूटर वाला चला रहा था स्कूटर और उससे उसकी उसकी गर्दन पे काफ़ी गर्दन कट गई थी आधे हिसाब से, बल्कि काफ़ी मांझा अंदर तक चला गया था। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे ज़्यादा बड़ी बड़ी पतंग या मांझे, तो ज़्यादा करके लूट के उड़ाते थे पतंग। हमको घर से पैसे मिलते थे सिर्फ एक पतंग के लिए मिलते थे और मांझे के लिए मिलते थे, बाकी तो हम लूट लूट के उड़ाते थे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एंजॉय फ्लाइंग काइट। आई हैव ऑलवेज डन दैट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई हैव डन दैट। Basically, earlier, not this now, but earlier I used to do it like maybe 6 to 7 months. Every day we used to fly kites.